ये लो बेबू। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यार बहन भैया, क्या हाल चाल है? हम ठीक है, उम्मीद करते हैं अभी ठीक होंगे, जा रहे हैं खुश हैं, फूलों की तरह से मुस्कुराते रहे, अपने घरों में बच्चों में शादाबाद रहे। हमारा शाम का व्लॉग स्टार्ट हो गया है, हमारे चैनल का नाम है मनाए लग रहे व्लॉग, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहन भाई हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किया करें, हमारे व्यूज बहुत कम हो गए हैं तो साहब बहुत परेशान है। एक तो काम नहीं, उससे काम नहीं होता, दूसरा कल दुकान पर जाते हैं काम नहीं आता लग रहा है। टून मेरी वह और सुनाए, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबीयत ठीक है, बेहतरीन। आपस की बात है, जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं ना, गवर्नमेंट जोर हो जाती है। आज ही हमने बनाना है जी कद्दू गोश्त। ये जी भाई के घर से हलवा है, ये टमाटर मैंने डाले और साथ में चिकन डाल दूंगी। मुंह से हाथ निकालो, क्या कर रहे हो? इन्हें मम्मा बाहर देख रही है, ये उठाकर बाल्टा। आज ही हमने बनाना है जी कद्दू गोश्त। और आज ये हमने बनाना है चिकन और कद्दू शरीफ, ये हमारा कद्दू शरीफ है और ये हमारा चिकन है, टमाटर है, प्याज है और सब्ज मिर्च और लहसुन है। ये भी मैंने कूटना है इसको, ये पड़ा है। शोरबे वाला बच्चे नहीं खाते, बस फिर क्या करे, बच्चों को देखेंगे आपको देखो। गंडे सर गए हैं, मम्मा ने डाल दी इसमें मिर्चें, मम्मा कह रही थी मुझे क्या थी जी, मेरे ऊपर घी का छिट्टा चल गया है। ये जी मेरे मिर्चों में प्याज मिर्चे और लहसुन डाल दिया। हाँ जी, इसको बुरा बुरा करूँगी तो फिर मैं इसमें टमाटर डालूँगी। हाँ जी, ये हमारे टमाटर और साथ में मसाले। और आप ही इधर जी जो मिश्री वाला पानी में आ रही है, चेक करूँ मैं? अभी तो पानी डाल रहे हैं। अच्छा, इधर मिर्चें डालें। उस दिन आपने ये देखें जी, देखें जी डाल दिया, बर्फ डाल दिया। माँ उस दिन आपने मुझे अंडे में ये वाली मिर्च डाल दी थी, लाल मिर्च डालनी थी। ये लाल ही है? नहीं, ये लाल ये कौन सा पानी है? अपने ऐसे खाने को दिल नहीं कर रहा था मेरा, फिर दाल खाते खा भी लेते और नहीं खाते। चल आप बताए ना क्या क्या चीज है। ये नमक है, मिर्च है और हल्दी है। हाँ जी, ये डाल दिए। ठीक है, मैं और पापा जाते हैं। टमाटर डाल दिए, ये टमाटर मैंने डाले और साथ में चिकन डाल दूंगी तो उसको दम पे लगा दूंगी। टमाटर भी गल जाएंगे और चिकन भी भुन जाएगा, फिर इसमें कद्दू शरीफ चावल कर दूंगी। ये मैं कद्दू शामिल करूंगी इसमें, इसमें पानी नहीं डालूंगी, ऐसे दम पे पकाऊंगी। ये पका बना डाल के तो इसको दम पे लगा दूंगी, हल्की प्याज कर दूंगी कि कद्दू ने अपने पानी छोड़ देने। इन्हें मम्मा बाहर देख रही आ रही है, ये उठाकर बाल्टा, पानी इसमें भरा हुआ है। मैं जी मम्मा के पीछे पीछे जा रही हूँ, मम्मा डालने आ चुकी हूँ कल गमलों का पानी। ये देखिए इधर हमने पर्दा लगाया हुआ है, क्योंकि जब हम सीढ़ियों के ऊपर से आते हैं ना, ये देखिए ये नीचे से आ रहे हैं, ये देखिए, तो ये सामने किसी के घर है, तो जब ऊपर चढ़ते हैं तो किसी के घर में ताक जाग होती है, तो फिर सामने इधर ना दरवाज़ा लगाया, दरवाज़ा नहीं लगाया, फुर्सत नहीं थी, तो फिर हमने ये पर्दा लगा दिया। नीचे हम सारे दरख्तों को पानी डाल रहे हैं, तो अब ऊपर वाले पौधों की बारी है, ऊपर वाले पौधों को हम पानी डाल रहे हैं।
कल माशाल्लाह लगता है फूल खिलेंगे हमारे। अब उधर वाले पौधों को डालते हैं। एक तो काम नहीं, उससे काम नहीं होता, दूसरा काम दुकान पे जाते हैं काम नहीं आता। तो ये चैनल का भी आसरा सहारा है, तो इसका भी सहारा अब ख़त्म होता नजर आ रहा है हमें। आप थोड़ी सी वीडियो देख लेंगे आपको क्या जाएगा, किसी गरीब का भला हो जाएगा। आपसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट किया करें, आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे रोज़ी रोटी इस चैनल की वजह से चल रही है। तो ये चैनल ख़त्म हो गया तो अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई सहारा नहीं है हमारा। पहले भी हमारे हालात बहुत मुश्किल में थे, जब साहब को चोट लगी थी तो अल्लाह ने कुछ हालात हमारे बेहतर किए, तो अल्लाह सब के हालात बेहतर करे। अमीर सुबह अमीर। तो अब हमारे हालात लगता है कोई काम नीचे होता नहीं है, चैनल पे भी कोई मतलब कि व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहे, सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। कभी कभी कहते हैं मैं चैनल छोड़ दूँ, इतनी मेहनत करते हैं, लोगों को बातें भी नहीं करनी आती, ऐसे ही ऊट पटांग बातें करते हैं तो लोगों के इतने व्यूज़ आते हैं, मिलियन के हिसाब से आते आ रहे हैं। हम इतनी मेहनत करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, सच बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोला हमने, क्योंकि जो ये हमारी रोज़ी रोटी है, जो झूठ में रोज बरकत नहीं होती। तो हम कहते हैं झूठ ना बोले, जो सच है वही दिखाएं बहन भाइयों को, हम जो बहुत सच होती है वही बताते हैं आपको। तो हमारे व्यूज़ बिल्कुल भी ख़त्म हो गए, कल की हमने वीडियो डाली है 66 व्यूज़ आए हैं, जो कि व्यूज़ है। बस आपसे यही गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किया करें, ताकि हमारा कोई गुजारा हो सके, हमारी कोई इनकम आए, हमारे हालात अच्छे हो जाए। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, चलो पढ़ जाएंगे। सब बहन भाइयों को दुआ देंगे, अल्लाह ताला सब बहन भाई को सेहत तंदुरुस्ती दे। और इसके सवाल मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मैं बस यही करूँगी, कहूँगी कि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत 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 ज़रूरत है। मूसा क्या कर रहे हो? उंगली काट पाए मुँह से हाथ निकालो, क्या कर रहे हो? इधर इधर पहले इधर देखो, फिर बाद में आपको मैं दिखाऊंगा क्या कर रहे हो। हाँ तेरे अबू किधर है? अबू कहाँ? अबू ना, अबू किधर है? अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद का तो आप भी ठीक हो। अच्छा जी, इधर बैठे हैं जी चाचा लियाकत साहब, और इधर बैठे हैं नानी मासी लियाकत, और नानी दोनों बैठे हैं, नानी मासी। इधर चौधरी मूसा, चल भाई। बेबो क्या हो रहा है? ये इधर कौन कौन है? इधर हैदर ना, टप्पा नहीं खाना, गिर जाओगे, धक लग भोसे। हाँ टप्पा नहीं खाना, चोट लग जाएगी, ढह पोसो तो वाला चोट लग जाएगी ना। हाँ देखें जी बच्चे माशाल्लाह कितने शरारतें कर रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं शरारतें करते हुए। वालेकुम अस्सलाम, आओ सही, क्या हाल है? क्या नाम है आपका? वकार। इसका नाम क्या है? ढोला। ढोला ढोला क्या हाल है? चाचा घर ही? हाँ भाई, अब तेरा घर है? अबू घर है? चलो अबू को बुला कर उसको बोलो चाचू अकरम आया, जल्दी आओ। हाँ चलो निकालो उसको, निकालो निकालो उसको। आज जी असलम भाई के पास जा रहा हूँ मैं, सामने से आ गया जी अहमद भाई जी, आए तो माशाल्लाह जी अहमद भाई ने टून शून चेंज की हुई है। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह जी आज तो जी अहमद भाई ने टून ही चेंज की हुई है जी। क्या हाल है जनाब? ठीक हो अहमद भाई? माशाल्लाह जी बहुत प्यारे लग रहे हैं, टून मेरी वो है। और सुनाए, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का तबीयत ठीक है, बेहतरीन। कहाँ की तैयारी है? कहीं भी नहीं, बस घर। अच्छा मैं निकला हूँ, मैंने कहा चलो हेलो हाय कर रहे हैं। हाँ जी माशाल्लाह, अच्छे लग रहे हैं पेंट में। थैंक यू, अच्छी लग रही है, बहुत शुक्रिया। क्यूट क्यूट, बस कभी कभी जो है ना, जुमा हो गया लिया था, बस आज मैंने कहा चलो पहन लें। आज जुमा भी है ना, इसके ऊपर मजीद भी हाँ तैयारी शारी की थी ना, फिर अच्छा। मजीद आथर भी होते हैं वो, नहीं गर्मी में नहीं पहने जाते ना, मतलब गड्ढा हुआ आथर चेंज थी आथर चेंज बस बाकी ऐसा हुआ है, टून ही लगा कि टून हुआ है। अच्छा और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, आपकी दुआएं हैं माशाल्लाह, आपकी दुआएं के सदके चल फिर रहे हैं। बिल्कुल जी, हाँ जी। एक दूसरे की दुआएं ही होती हैं जो इंसान को ऊपर। यार एक ना मुझसे मैसेज आया हुआ है, मुझे वो चेक कराना था मैंने आपको। अच्छा माशाल्लाह जी अहमद भाई के मठ हाउस में आ गया हूँ मैं, बेबो भी आ गए हैं,
तो अहमद भाई ने आज ये और मुर्गियाँ ली हैं, चूज़े लिए छोटे, ये देखें फिर रहे सारे चूज़े इधर। तो माशाल्लाह अच्छा खारा फार्मिंग, अच्छी खासी फार्मिंग कर ली है अहमद भाई ने। अहमद भाई इसके अंडे वगैरह मज़े से खाए ना? अंडे अभी भी रेट में बहुत पड़े हुए हैं, मेरे घर भी पड़े हैं बहुत, 10-12 अंडे पड़े हुए हैं। मतलब कभी जब भी मूड होता है बंदा उठा के, कोई अर्जेंट होता है, कोई बच्चा रोने लग जाता है, साला नहीं है बंदा अंडा भूने। मेरी तो खैर बेगम जो है ना वो बड़े मजे मजे के अंडे की रेसिपी बना के ना मुझे खिलाती है। सही है, उसमें यार काफी अंडे से तो काफी चीजें बन जाती, बहुत चीजें बन जाती है। तो माशाल्लाह मयूदीन भाई बना रहे हैं इधर मकान। ये लो बेबो, ये जी गोपा बनाया था अहमद भाई ने, इधर अब मुर्गियाँ होती हैं। इसको अहमद भाई इधर बनाया शेड ऐसे ना, मतलब ये देसी है ना, सही। हाँ जी जी, एक तो इनकी देखभाल ज्यादा नहीं करनी पड़ती, जैसे नहीं करनी पड़ती फार्मी है वो तो उसकी बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। तो ये है अपना खेलते रहते हैं बाहर, ये थोड़ी सी बड़ी होंगी जैसे ये आजादाना फिरती रहती है, कोई हमें पता नहीं है। सही बात, इस तरह मैं ना 300 वैसे जब 300 पीस अभी इरादा है कि सर्दियों तक ना मैं इस तरह का 300 पीस जो है ना वो ओके करूँ और वो अंडे देना शुरू हो जाए। हाँ अंडे देना शुरू हो जाए, जब 300 पीस में से यार 200 अंडा भी दे 100 ना भी दे, 200 अंडे का फिर 50 रुपए 40 रुपए 40 रुपए का अंडा बिकता अगर सर्दी। ये मैंने कहा बिजनेस अच्छा है, अच्छा बिजनेस है, अगर ये सही चल गया बंदा इसको बढ़ा लेता है, हम क्या होता फिर इस सारे को जो है ना फार्म बना दे मुर्गी का। ऐसे करे इसका ना, इसको जारी लगाए तो उसको ना हवा में रखें थोड़ा सा, गर्मी बहुत नहीं कर रहे, तो यही सोच रहा हूँ कि वो तो वैसे एक दिया हुआ है वो उधर कुछ भी नहीं बना हुआ। हाँ उधर कुछ नहीं बना हुआ, उसको भी तोड़ लेते हैं, उसके बाद उधर वैसे फिलहाल उधर एक जाली बनवा लेते हैं, 300 पीस तो उधर खुला आ जाएगा, खुला आ जाएगा, कूलर पंखा एक लगा देंगे, फिलहाल गर्मी उसके बाद जब फिर ज्यादा देखेंगे अगर सिस्टम सही हुआ तो पता फिर इसमें ही। मैंने डबल स्टोरी बनाया इसका हाउस, शेर खान हाउस, मेरे मुर्गे का नाम है शेर खान। अच्छा। तो मैंने डबल स्टोरी बना के नीचे बनाया, उसके ऊपर फिर बनाया एक और, मैंने बना के रखा वो ओपन है, जैसे वो टोकरा है ना ये गोल है, वो थोड़ा लंबा है, ठीक है। वो भी बड़ा बेहतरीन बनाया, मैंने खुद तैयार किया। सही। तो मैंने इरादा किया अब इसको उनके ऊपर रखूँ, छोटे चूजे जो है वो उसमें होते हैं। अच्छा ये मुश्ताक भाई हैं हमारे शेर खान भाई, तो ये खुडी ना जो एक और भी ये मुर्गा निकल आया, हाँ ये वाला ये मुर्गा निकल, चले है बड़ा प्यारा माशाल्लाह, चले माशाल्लाह बाल अच्छे हैं गर्दन पे इसके। मैंने कहा सर्दियां जब आएंगी ना तो मुश्ताक खान को फिर कढ़ाई में इन्ना लिल्ला है इसको। हाँ भाई मुश्ताक खान तकड़े हो जाएं आप। तो मैं जी वाइट हाउस के बाहर पहुंच चुका हूं, असलम भाई को बुलाया मैंने, अभी शायद मसरूफ़ है, पहले मैंने बुलाया तो कहते वो सोया हुआ है, अभी पता नहीं वो सोया हुआ है या उठा हुआ है। दर अभी किधर है, अभी को उठाएं, है दर अभी को बुलाएं यार। तो मैं जी बाहर निकला हूँ, असलम भाई के पास आया था, वो सोए हुए हैं अभी तक, अहमद भाई से मुलाकात हुई है। तो अभी मैं बाहर आया हूँ तो इधर हमाद और रेहान नहा के जा रहे हैं, इनसे ज़रा पूछूँ, मैंने इनको मना किया हुआ है आपने ट्यूबवेल पे नहीं आना आप लोगों ने, तो ये फिर ट्यूबवेल पे नहाते हैं। इधर आए भाई, आप लोगों को मना किया हुआ ना ट्यूबवेल पे नहाने से, यार पानी जितना भी हो मना किया हुआ ना नहाने से, चार हो या एक हो या दो हो आप लोगों को मना किया हुआ है, फिर क्यों आते हैं? पानी थोड़ा थोड़ा आता है फिर दिल करता है, कोई खेलता भी नहीं है, मर्जी है यार आप लोगों की, गंदा पानी होता है उसी में बच्चे जो है उधर ही पेशाब कर देते हैं खाड़े में। आप लोगों को ना डंडे पड़ने वाले हैं, ऐसे नहीं आराम करेंगे आप। मैं जी इधर आया हूँ तो अफजल भाई मोटरसाइकिल लेके आ गए हैं जी, अस्सलाम वालेकुम अफजल भाई, क्या हाल है? मैंने समझा घास वगैरह लेके आए हैं, दूर से ऐसे लगा था। और गंदम ले थी तो वो चक्की उसके सामने गया था, लेट अच्छा। हो गया आज तो खाना ही लेट पकेगा, ओए होए गवर्नमेंट कहीं डंडा ना उठा ले। गवर्नमेंट तो डंडा उठाया हुआ है ना, जल्दी गया हूं। अच्छा इसलिए जल्दी गया। अच्छा बस है ना आपस की बात है,
जब बच्चे थोड़े बड़े होते ना गवर्नमेंट जोर हो जाती है। अच्छा, बच्चों के साथ देती है ना, बच्चे ज्यादा साथ देते हैं ना उनका, गवर्नमेंट का गवर्नमेंट उनका साथ देती है, पर हमारा साथ कोई नहीं देता। चले अल्लाह मालिक है, बच्चे जाके आप जल्दी। वो मेरे हद में चा दी, उन्होंने मीठे भी कर दी है, उनकी भी हद में चा दी उन्होंने। पानी ठंडा रखा है गर्म रखा है? ठंडा रखा है पूरा सर। हाँ जी। अच्छा, ये मुन्ना पानी पी रहा है? चुन्ने मुन्ने वो एक कहानी पढ़ते थे हम, चुन्ने मुन्ने दो चूजे थे, मुर्गी उनकी मुर्गी हमारी अम्मी थी, अम्मी के बेटे थे, जब टू क्लास में हम होते थे ना तब पढ़ते थे, यही चुन्ने मुन्ने घास लेके आए थे हम, ये बाहर खेतों से, हम क्या ये खाएंगे, ये काफ़ी खा लिया इन्होंने, अब मैंने उन्होंने खुदे से बाहर निकाला है, इनके डब्बे से अब निकलना, इधर बंद करेंगे क्योंकि दोपहर के छोड़े हुए हैं, तो इन्होंने क्या कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता पॉइंट वाला डाले, तो ये इन्होंने बीठे बीठे कर दिए, तो अब वहाँ से बीठे उठाएंगे पहले, तो फिर उधर पोछी लगाएंगे क्योंकि जगह साफ हो जाएगी, क्योंकि ऐसे ही बहुत गंद मच जाता है, इनका फ़ायदा भी है और इनका गंद भी बहुत होता है, बड़े हो जाएंगे तो बाहर जाएंगे, छोटे हैं ना इनको कभी वगैरह ले जाते हैं, इसलिए इनको बाहर नहीं निकालते। तो को बंद कर दिया इधर? वाह जी वाह, कट्टो जी अपनी छोटे मोटे चुन्नू मुन्नों के साथ अपने हाउस में आ गई है, ये स्पेशल हाउस इनके लिए बनाया छोटे चूजों के लिए। मनाहल क्या कर रही है? कुछ नहीं। कुछ तो करने लगी हो। इसकी खिड़की खुल गई है। हाँ? खिड़की खुल गई इसकी। इसका भी टूट गया दांत? ओ। मैंने आपको तोड़ लिया। अच्छा। आपने तो तोड़ा नहीं। मैंने तो आपको कहा था आ जाओ, आपने कहा नहीं। दर्द अब नहीं होती दर्द? चलें ठीक है, आपकी मर्जी है। हाँ भैया, आपका भी टूट गया है? हाँ, कौन सा है? दाढ़ है आपकी। अच्छा, टूट जाएगी ये भी। हो गया।